अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड पर इग्नू के एमकॉम के आईबीओ 1 से आईबीओ 6 तक सॉल्व्ड असाइनमेंट्स फॉर द सेशन 2019-20 इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये एमकॉम फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आईबीओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे सॉल्व असाइनमेंट हैं। आप लोग इस असाइनमेंट को लिखकर स्टिक फोल्डर में लगाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकते हो। असाइनमेंट की वेटेज 30% है। असाइनमेंट के साथ अगर आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी लगा दोगे तो इससे टीचर को आसानी रहेगी कि कौन से सेशन का असाइनमेंट है। 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 सेपरेट स्टिक फोल्डर में आप लोग अपना असाइनमेंट लिखकर सबमिट करना स्टडी सेंटर पर। फ्रंट पेज असाइनमेंट का बनाना बहुत ज़रूरी है। उस पर अपना नाम, नेम, रोल नंबर दैट इज़ एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस एंड सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर कोड, ये सब लिखना ज़रूरी है। असाइनमेंट सबमिट के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसे संभाल कर रखना। इन केस आपका रिजल्ट में असाइनमेंट के मार्क्स नहीं शो होते तो आपके पास वो रिसिप्ट एज अ प्रूफ होगी कि आपने असाइनमेंट सबमिट करे थे, स्टिल आपके मार्क्स जो हैं शो नहीं हो रहे हैं। क्या रीज़न है आप वहाँ जाकर पता भी कर सकते हो। ये वाला असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, तो ये वाला असाइनमेंट उनके लिए जून 2020 तक वैलिड है। जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, ये वाला असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर 2020 तक वैलिड है। लास्ट डेट ऑफ द असाइनमेंट इज़ 15th मार्च या फिर 15th सितंबर। अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की, तो आप लोग उससे पहले ही असाइनमेंट सबमिट कर देना। कई बार लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, तो आप लोग खुद से कन्फर्म कर लेना स्टडी सेंटर से।